फल्ला अब्बा, कभी कभी होता है वैसे जिंदगी में, इतना मजे का नाश्ता करने को मिल जाए भाई। और क्या, बहू के हाथ का बदमजा खाना खा के मेरे मुंह का जायका खत्म हो गया सारा। लेकिन साहबजादे को यही जायका पसंद है, मैं मुश्किल दोनों वाले लिए होंगे, भूखे चले गए। अब्बा मुझे तो लगता है दोनों का झगड़ा हो गया, वरना रिदा बेगम जरूर आती नीचे नाश्ता बनाने के लिए। मैंने पूछा था उस्मान से, मैंने कहा है, कहते मुझे क्या पता किधर है, खुद ही देख लें। उस्मान ने कहा, मानने वाली बात नहीं है। कहा तो ऐसा ही अब्बा, लगता है भूत उतर रहा है। तो फिर कुदरत मेहरबान हो रही ना हम पे, उधर अजहर को एहसास हो गया, फोन कर रहा है, रकम नहीं भेज रहा। यहाँ इन साहबजादों के दिमाग पे ठिकाने आ रहे हैं। अब्बा वो अजहर से मुझे याद आया, मुझे ना पैसे चाहिए। वो दरअसल रात को मैं शॉपिंग के लिए चली गई थी ना, आपको पता है इकबाल के पास पैसे तो होते नहीं है, उसने अपने ना एक दोस्त से उधार ले लिए थे, अब वो उधार चुकाना है। अच्छा अच्छा मिल जाएंगे भाई। हाँ तो क्यों नहीं मिलेंगे भाई, पूरा हक है मेरा, इकलौती बेटी हूँ इस घर की। अब्बा वो मुझे ना एलईडी दिला दे नया। एलईडी तो है ना तुम्हारे पास, क्यों भी? अब्बा है तो, लेकिन वो साइज का थोड़ा छोटा है ना, फिल्में देखने का इतना शौक है, मजा नहीं आता। है भाई छोटा है क्या? है ना गुड्डू? अरे खाओ ना तुम यार, आ जाए फिर कहेंगे सब हलवा पूरी खा गए। जाओ अपनी अम्मा को भेजो, चाय भी लाओ। हलवा तो खाओ। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.